स्टार्टिंग विद द एट्थ पार्ट, हियर इट सेज अ 12 पिको फैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब यहाँ पे हमें वोल्टेज दिया हुआ कितने का, 50 वोल्ट का, और कैपेसिटर की वैल्यू दी हुई है विच इज 12 पिको फैरड। अब पिको फैरड को किस में कन्वर्ट करना जरूरी है, फैराड में, विच इज -12 फैराड। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमने निकालनी है, कहाँ पे स्टोर है वो, कैपेसिटर में। अब यू की वैल्यू क्या है हमारी, हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी वी स्क्वायर का मतलब क्या है, सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 10 की पावर -12 हो जाएगा, वी का स्क्वायर, वी का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हाफ 2 से 12 कैंसिल, 6 आ गए, 6 × 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, इट विल बी 5 का स्क्वायर, 25 होता है, और 00 आ जाएगा, × 10 की पावर -12। तो फाइनली आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 6 × 2500 को मल्टीप्लाई करोगे, या आप एक काम करो 6 और 25 को मल्टीप्लाई करो, जीरोस को हम यहाँ पे इन्वॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 6 × 25 इज 150, 150 ये आ गया आपका, 10 की पावर 2 बची है यहाँ पे, 10 की पावर -12 है, तो 150 तो आना ही आना है, 10 की पावर -10 हो जाएगी, और फाइनली आपका आंसर क्या आएगा इन स्टैंडर्ड फॉर्म, 1.5 × 10 की पावर -8 जूल, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप्स पीछे जाना, ताकि आपका पावर जो है वो चेंज किस में हो जाए, -8 में हो जाए, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर फॉर द 8th।